इंडिया का नॉर्थ ईस्ट तेजी से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवलर्स का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है। यहाँ के कल्चर, लैंग्वेज, फूड और मौसम इसे एक्सप्लोर करने के लिए एक अट्रैक्टिव जगह बनाते हैं। हालांकि अक्सर ट्रेवलर्स वही जगह पहुँचते हैं जो उन्हें इंटरनेट पर इजीली मिल जाती है, लेकिन कई खूबसूरत जगहें सिर्फ रहस्य बनकर रह गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगहें हैं जो आप लोगों में से काफी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी होंगी, तो इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ ईस्ट की ऐसी जगहें बताएंगे जो अभी भी सबसे छुपी हुई है। फर्स्ट, भूभान केव्स। मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर से लगी बारक वैली के साउथ ईस्ट में भूभान हिल्स तीर्थ यात्रा का केंद्र है और ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर के अलावा यहाँ घने जंगलों से पहाड़ियों के रहस्यों की भरमार है। हर साल फरवरी के महीने में हजारों भक्त भुवनेश्वर गुफा की तीर्थ यात्रा करते हैं। सेकेंड, मायांग। मायांग असम के मोरीगांव जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे काले जादू और जादू टोना की धरती भी कहा जाता है। ये गांव सदियों से डार्क आर्ट का केंद्र है, पर अब ये बात पुरानी हो गई है, पर फिर भी गांव के कुछ लोग आज भी काला जादू करते हैं और ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। थर्ड, जिलाद लेक। जिलाद लेक मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में स्थित है। इसके सुंदर और रहस्यमय किस्से हैं जो इसे देखने के लिए एक ऐसी दिलचस्प जगह बनाते हैं। यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग चाहे बारिश हो, धूप हो, झील एक ही स्थिति में रहती है। यहाँ ये बात भी बताना जरूरी है कि तामेंगलोंग एक ऐसा स्थान है जहाँ भारी बारिश होती है, लेकिन इस झील में कभी बाढ़ नहीं आई और ना ही ये झील कभी सूखी है। झील कैसी उसी कंडीशन में रह सकती है, ये अभी भी रहस्य है और इसे कोई नहीं जानता। फोर्थ, माउंट तात्सू। रुमेन सिनू के रेंगमा ट्रैप से भरा हुआ माउंट तात्सू गांव रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे कई मिस्टीरियस क्रीचर्स रहते हैं। एक लोक कथा के अनुसार इसके ठीक बगल में पहाड़ और चट्टान पर एक विशाल काय सांप और एक केकड़ा पहरा देता है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस पर्वत से छेड़छाड़ ना ही करना बेहतर है, इसीलिए किसी भी तरह का शिकार या प्रकृति को नुकसान पहुँचाने की प्रक्रिया यहाँ पर सख्ती से मना है। फिफ्थ, मोफलोंग जंगल। मोफलोंग जंगल मेघालय की सबसे अच्छी तरह से रिजर्व साइट में से एक है। इस जंगल में एक रूल है कि किसी को भी जंगल से कुछ भी लेने की इजाजत नहीं है, ना ही पत्थर, ना ही पत्तियां और यहाँ तक कि एक टहनी भी नहीं। इस जंगल से कुछ भी कोई लेकर नहीं जाता। ये घास के मैदान और घने जंगल का एक सुंदर मिश्रण है और इसे आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसी जगहें जो अभी भी लोगों से छुपी हुई है और उनको अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान हेराल्ड।